दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है एक खूबसूरत से सुबह के साथ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी तो फिलहाल घर में हूँ और ऑफिस के लिए जा रही हूँ, तो देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। और आज जो जाना है मुझे फील्ड में जाना है, तो देखते हैं आज कौन से गाँव में पहुँचते हैं। और अगर जहाँ भी जाएंगे तो उन चीज़ों से आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो आप बने रहिए ब्लॉग के आखिरी तक और चलते हैं फिर। अभी तो घर से निकलती हूँ मैं ऊपर अपनी गाड़ी के पास में। तो मौसम भी आज बहुत अच्छा हुआ है, मतलब कि बारिश नहीं हुई है, हल्के बादल हैं, तो मतलब ठंडा ही हो रहा है। और जब धूप आ रही है तो बहुत तेज़ धूप लग भी रही है। तो फिर देरी ना करते हुए चलते हैं आगे। दोस्तों, मैं मिल रही हूँ आपको गांव में पहुँचने के बाद। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा गांव का प्लान है, तो हम पहुँचे हैं खूबसूरत से गांव में। और ये गांव है टिकुरी का, जो विकास खंड रामगढ़ में पड़ता है। तो और इसके जस्ट सामने जो गांव है वो किलोर और जाजर है। तो यहाँ पे एक मीटिंग रखी हुई है, तो देखेंगे मीटिंग में आज क्या होता है। और जो मीटिंग है वो ये है कि अब जैसे कि बरसात के दिन आने लग गए, तो हम गांव में क्या करते हैं कि लोगों से प्लांटेशन करवाते हैं। तो जो गांव के अपने प्लॉट होते हैं, यानी कि जो वन पंचायत की एरिया होती है, तो वहां पे प्लॉट लगाते हैं। तो आज उसी के संबंध में एक मीटिंग है, तो आपको उस मीटिंग में भी हम ले चलेंगे। और मीटिंग होने के बाद थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा पुरस्कार रखा हुआ है, वो भी आप देखेंगे। तो बने रहिए आज के ब्लॉग के साथ और आपको इंटरेस्ट भी आएगा और जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ। और इस गांव में थी मीटिंग, तो यहाँ के लोग प्लांटेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए इनको आज प्राइज दिया गया, जिसमें रेनकोट है, कैप है और टी शर्ट है। तो देखो कितनी खुशी है लोगों में, क्योंकि मतलब एक इनाम छोटा भी हो तो लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये खुश हैं एकदम। मीटिंग हो चुकी है और इसके बाद इनको हम प्राइज दे रहे हैं। तो इनाम मिलना है, तो अगेन हमें वो जा रहे, पहचान जा रहे हम इन्हें बहुत। आप लोगों के सब जत लोग होंगे तो अगिल का नाम बढ़ाया, आभार व्यक्त करना कि हमको तो अगिल हमारे स्वर्गीय श्री भोपाल सिंह मेहता जी नाम तो अगिल पहुंच रहा हो आज तक लगे से जाना है रास्ता भी। तो ये ऐसे जाएंगे अब झुक के भाई। और अभी बहुत अच्छा सा मौसम हो चुका है, हवा भी चल रही है और ऊपर से हैं बादल और सामने पहाड़ियाँ। देखिए पहाड़ियों का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारा काम भी हो गया, थोड़ा सा ट्रैकिंग भी हो गई। ट्रैकिंग होने के बाद हमने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हल्का नाश्ता भी कर लिया है। अब देखेंगे और आगे क्या होता है, या तो जाएंगे या फिर जो भी काम होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम आगे थे सीधे फिर से अपनी लोकल मार्केट में और ये साथ में आज मेरे साथ गंगा दी गई थी। और जिस शॉप में हम आए हैं वो भी हमारी स्टाफ की है और वो है कल्पना, जिन्होंने हमारे साथ कितने साल काम किया, 3-4 साल। हाँ, 3-4 साल उन्होंने भी हमारे ही स्टाफ में काम किया और हमारे साथ रह के। तो अभी उन्होंने यहाँ पे अपनी शॉप खोली है पूरी कपड़ों की, है ना। तो बहुत सुंदर सा कलेक्शन है जिसमें कुर्तीज हैं और क्या है, सूट पीस हैं और मतलब डिफरेंट टाइप के, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े हैं जिनमें से आज हमने लिया है। ये रही मेरी शॉपिंग, इसके अंदर है सावन के लिए मैंने एक सूट पीस लिया था और ये गंगा दी,
ये एनुअल डे के लिए, क्योंकि हमारा जल्द से एनुअल डे भी आने वाला है, तो गंगा दी ने ले लिया है इसके लिए बहुत सुंदर सा लखनऊ का चिकन वाली कढ़ाई है इस पे, और बहुत सुंदर सा सूट है ये, और इसके साथ पैंट, और मेरा वाला सूट दिखाना, ये देखो ये मेरा स्पेशल सावन के लिए है, तो ये मैंने लिया है, इसको मैं अभी दूंगी नीचे स्टिचिंग के लिए। तो ये थी हमारी शॉपिंग, और थोड़ा सा मैं आपको शॉप का वो दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। और ये है कल्पना, इनकी है यहाँ पे शॉप, और यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम मिल जाएगा, और साथ में ये है इनके हस्बैंड जो इनके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी हमारे स्टाफ के ही हैं और जिन्होंने हमारे साथ काम किया, और ये है इनकी शॉप। इधर आपको जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, सूट और कुर्ते। तो अब थोड़ा सा हम कल्पना से बात करते हैं कि उन्होंने क्या सोचा इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि वो बहुत बाहर जॉब करके भी आई हुई हैं, और हमारे साथ भी उन्होंने काम किया, और उसके बाद फिर अपने घर पे ही आके यहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्यों किया, और क्या क्या है यहाँ पे, क्या खास है आपकी दुकान में? हेलो गाइस, गाइस पहले तो ये कि मैं आज अपने स्टाफ से मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं काफी लंबे समय बाद मिली हूँ। और दूसरा, हेमा जी को मैं पहले से ही जानती हूँ, गंगा जी को भी जानती हूँ पहले से, तो आज उन्होंने मेरी दुकान पर आके काफी सारी शॉपिंग करी, और जैसे उन्होंने पूछा कि तुमने क्या, तुम्हारा मोटो था करने का, तो मेरा मोटो ये था कि खुद का मैं कुछ करना चाहती थी। बिल्कुल, तो इस वजह से मैंने शुरू किया है। और दूसरा ये है कि मतलब मैं लोगों को ना अच्छी क्वालिटी कम रेट में कुछ बेटर लगता था। बिल्कुल, वो भी नजदीक में, वरना लोग यहाँ पे क्या है कि लोग हल्द्वानी, नैनीताल और भवाली यहाँ जाते हैं, अगर हमें वही वेरायटी और क्वालिटी यहाँ पे मिल जाए और कुछ यूनिक सा, तो लोग यहीं पे आके खरीदेंगे। और गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप आकर मेरी शॉप, मतलब मेरी शॉप पे आए और शॉपिंग करें, मतलब मुझे विश्वास है कि आपको कलेक्शन पसंद आएगा। और थैंक्स करना चाहूंगी बाजी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, काफी लंबे समय बाद बोल रही, तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी है और थोड़ा कुछ अलग सा भी लग रहा है, बट जो भी अच्छा लग रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर कल्पना की दुकान में अगर मिल नहीं पाता तो वो डिमांड को नोट कर लेती है, उसके बाद उस डिमांड को लेकर मंगाती है। मुझे बहुत खुशी, पिछली बार मैंने कहा था पर मेरे दूसरी एक वैरायटी आई है, पर मैंने जींस के लिए फिर बोला है इनसे, आज जा रही है तो ये लेके आएगी पक्का। लेके आऊंगी। और जो भी लोकल के लोग देख रहे होंगे वो यहाँ पे आएंगे और ले भी जाते हैं, मतलब हम तो हेल्प करेंगे कि जिसको, हाँ, क्योंकि जिसको भी ऐसी चीजें चाहिए होंगी और या फिर कुछ ऐसा डिमांड होगा तो हम भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। थैंक यू, बाय। बढ़िया बनाना है, हाँ, ये वाला शूट कब तक मिलेगा ये तो बताओ। तो सूट सिलाने के लिए भी दे दिया है मैंने, तो अब चलते हैं घर की तरफ और दिखाती हूँ आपको मैं लोकल मार्केट, और थोड़ा सा काम और बचा है मेरा मार्केट का, और फिर चलते हैं घर, तो दिखाती हूँ आपको अपनी लोकल मार्केट। ठीक है दादा, बाय बाय। दोस्तों, मैं अपनी मार्केट से हो चुकी हूँ क्रॉस, और इधर मैंने थोड़ा और काम था ना, सुबह मैंने गेहूँ सुखाए थे तो गेहूँ पिसा के भी ला गई, मैंने आगे रख दिए हैं अपनी गाड़ी के, और अब चलते हैं घर को, और फिर जहाँ पे मैं गाड़ी रखती हूँ वहाँ से सर में लेके जाना पड़ेगा मेरे को नीचे घर तक। तो अपना काम निपटा के शॉपिंग और जो घर का काम है वो भी मेरा हो चुका है, तो फिर चलते हैं घर की तरफ। और अभी सामने पहाड़ी का नज़ारा देखिए, पूरे बादल नीचे आ चुके हैं और इधर हो रही है ज़बरदस्त धूप।
तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं घर और अब अपने लिए मैंने बना रखी है मैगी और ये खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में लेते हैं मैगी का आनंद। तो कर लेती हूँ मैं भी नाश्ता और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों मैंने मैगी का नाश्ता भी कर लिया, मतलब मैगी खा लिया फाइनली और कपड़े चेंज कर लिए घर आके और प्राची भी आ चुकी है। हेलो प्राची। हेलो। स्कूल से और अब इसके लिए बनाती हूँ। वैसे रोटी सब्जी तो है, मैगी खाएगी। मैगी मतलब कभी कभी मन करता है, वैसे ज्यादा मैं मैगी अच्छा मानती हूँ तो मैं तो खाती हूँ। तो कैसा रहा फिर स्कूल का दिन? अच्छा रहा। कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। बाप रे, मेरे से कितनी लंबी हाइट हो गई भाई, ये देख ले। आ रही हूँ मैं तेरे इतने बराबर, ये मैं यहाँ आ रही हूँ 5'4" की तो मैं ही हूँ भाई, ये देख। प्राची मेरे से बहुत लंबी हो गई है ना। तो कल भी जाना है स्कूल? ना, कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। ओके, तो होमवर्क मिला है? अभी देख कितनी गर्मी हो रही है, पूरा पसीना निकल रहा है तेरे को, बाहर बैठ जा थोड़ी देर। ऐसे ही होता है, आजकल मैं भी चल के आती हूँ ना तो इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब मेरे को तो ऐसे पसीना पसीना सा निकलता है। आने के बाद ऐसे हुआ मेरा, तो थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे और मैंने तो खा लिया मैगी, अब प्राची भी खाएगी और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर करेंगे काम। काम तो क्या ही है, मतलब घर का ही है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आती होगी। अगर हाँ तो आप यार लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे जरूर मेंशन कीजिए और फिर देखते हैं कि जिसके जो जो सवाल होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम उनका आंसर दे पाए। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जल्द ही मिलते हैं आपको। टाटा बाय बाय।